हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं उभरती और आप देख रहे हैं ट्रेंड टॉपर। आज हम बात करने वाले सीएसपी शेयर के बारे में, सीएसपी लिमिटेड शेयर के बारे में आज हम बात करेंगे। इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ इसका टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले। तो शुरू करते हैं, पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है 12,182 करोड़ का है, तो अच्छा खासा मार्केट कैप है। कंपनी का स्टॉक पी 8 का है, तो कम स्टॉक पी पे अवेलेबल। इंडस्ट्री स्टॉक पी 37 का है, तो इंडस्ट्री स्टॉक पी से बहुत ही कम स्टॉक पी पे अवेलेबल है। हमें अच्छे खासे वैल्यूएशन पे अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। आरओसी की बात करें तो 13 का आरओसी है, आरओई की बात करें तो 13.7 का है। आरओसी आरओई बहुत ही अच्छा खासा ये अभी कंपनी दे रही है। इसी के साथ डेट टू इक्विटी रेश चेक करें तो 1.35 का इनका डेट टू इक्विटी है। इसी के साथ डेट जो है 13,966 का है। तो ये कंपनी के बारे में माइनस पॉइंट भी है। कंपनी जो है थोड़ी सी कर्जे में ज्यादा इन पे जो है कर्जा है। इनका डिविडेंड यील्ड रेश्यो चेक करें तो 4.94% का इनका डिविडेंड रेश्यो। इस बार इन्होंने जो है डिविडेंड अनाउंस किया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसी के साथ इनकी बुक वैल्यू 78 की और गन प्राइस 91 की है, तो बुक वैल्यू से ज्यादा आगे ये शेयर जो अभी ट्रेड नहीं कर रहा है। इसी के साथ बात करें अगर हम इसके डिविडेंड की, तो अभी जो इन्होंने अनाउंस किया है तो उसकी जो एक्स डेट है 24/1/2022, तो ये जो इनकी एक्स डेट है, अनाउंस डेट जो है 13/01 जो इनकी अनाउंस डेट है। तो अगर हम देख सके तो 13 जनवरी और 24 जनवरी की इसकी जो डेट है। इसी के साथ इनका जो डिविडेंड जो ये कंपनी देने वाली है वो 4.5 का है, तो 4.5 पर शेयर ये जो अब हमें प्रोवाइड करने वाले है। जिनके पास भी एक शेयर है उन्हें 4.5 रुपीज जो है वो मिलने वाले है। तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स के साथ कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, अच्छा खासा डिविडेंड भी हमें यहाँ पे मिल सकता है प्रॉफिट के साथ। आ जाते हैं इनके प्रॉफिट पे, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 329 करोड़ को प्रॉफिट इस बार बनाए, उससे पहले 335, 271, तो अच्छा खासा प्रॉफिट लगातार कंपनी यहाँ पे बनाती हुई जा रही है। ना कम ना ज्यादा कंपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर रही है, जो कि बहुत मुश्किल होता है लगातार प्रॉफिट जो है बनाए रखना। तो इसी के साथ अगर हम इसके सालन प्रॉफिट की बात करें तो 1,358 का इन्होंने प्रॉफिट बनाया, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। अगर उससे पहले देखे तो 1,331, उससे पहले देखे तो 1,267, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है कंपनी लगातार बनती हुई जा रही है। 10 साल पहले की बात करें तो 157 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी जो है 1,000 का प्रॉफिट है, मतलब लगभग 10 गुना यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। कंपनी के प्रॉफिट जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। एसेट्स की बात करें 37,000 के इनके एसेट्स है, कैश फ्लो जो है माइनस में अवेलेबल है। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 52% शेयर्स है, प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स जो वो बढ़ाए हैं, प्रोमोटर्स कंपनी में इंटरेस्टेड है ऐसा हमें इससे पता चल रहा है। 49% शेयर्स थे, अभी जो है 52% शेयर्स जो है प्रोमोटर्स के पास है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। प्रोमोटर्स अपने हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। एफआईएस के पास अभी भी 30% शेयर्स है, डीआईएस के पास जो है 22% शेयर्स है, जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट में है, और पब्लिक के पास जो है 12% शेयर्स है, तो पब्लिक के पास जो कम शेयर है, सबसे कम शेयर जो है वो पब्लिक के पास ही है, तो ये पॉजिटिव बात है। इससे शेयर की प्राइस जो ऊपर जाने में जो है आसानी होती है। और अदर फंडामेंटल्स चेक करें तो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स है, बहुत ही अच्छे खासी तरीके से कंपनी जो है ग्रो करती जा रही है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें, इसी के साथ डिविडेंड की वजह से यहाँ पे जो थोड़ी सी प्राइस में उछाल भी आ सकता है। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल चार्ट की, तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो चेक कर लेते हैं, इसी के साथ टारगेट भी चेक करेंगे। फंडामेंटल कंपनी बहुत ही अच्छी खासी, उसकी वजह से इसके टारगेट जो अच्छे खासे आ सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टारगेट आता हुआ दिख रहा है मुझे वो 10% का है, ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। यहाँ से जैसे ये शेयर ब्रेकआउट देते हैं इसमें और भी अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर मुझे अच्छा खासा लग रहा है। अगर हम पब्लिक वोट की बात करें तो पब्लिक वोट क्या कहता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो पब्लिक वोट 78% लोग बाई की तरफ है, सेल की तरफ 9% लोग है, और होल्ड की तरफ 12% लोग है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर भी बाई की तरफ वोट कर रहे हैं। इसी के साथ टेक्निकल कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है, वहां पर भी हमारा ये प्रॉफिट है। इसी के साथ टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सपोर्ट की बात करें तो अभी ये शेयर जो 92 के लेवल पे है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे ये रेजिस्टेंस लेता था। तो यहाँ पे अभी ये सपोर्ट लेने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर नीचे के सपोर्ट की बात करें तो 18 का इसका जो सपोर्ट बनता है। लॉन्ग टर्म में इसने अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छे खासे प्रॉफिट कंपनी बना सकती है, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी जो है अच्छी खासी ग्रो करती जा रही है। उसके हिसाब से जो टेक्निकल चार्ट जो है वो सुधर नहीं है, आगे चल के यहाँ पे ग्रीन डायरेक्शन में ये आगे जाने ही वाला है, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी अच्छी है। शॉर्ट टर्म के लिए भी 10% का टारगेट हमें हो सकता है, इसी के साथ डिविडेंड भी हम ले सकते हैं। पब्लिक वोट भी बाई की तरफ है, तो और
ओवरऑल अगर चेक करे तो कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती हुई जा रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। थैंक यू।